खरगोन एसडीएम ओम नारायण सिंह मंगलवार को अचानक आयुष अस्पताल की नब्ज टटोलने पहुंच गए। यहां 8:30 बजे अस्पताल प्रवेश द्वार पर ताला लटका रहा। इसके बाद एक एक कर चिकित्सक और स्टाफ पहुंचने लगा। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई, वहीं पंचनामे की कार्यवाही भी की। डॉक्टरों की नदारदगी को देख कर कहा कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसडीएम ने योग करने पहुंचे लोगों से भी चर्चा की, अस्पताल में व्यवस्था का फीडबैक लिया। वहीं निरीक्षण में रजिस्टर संधारण अव्यवस्थित मिला, दवाइयां का रिकॉर्ड में भी लापरवाही मिली। एसडीएम ने डॉक्टर संतोष मौर्य जहित अन्य चिकित्सकों से अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं एवं दवाइयों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी ली। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जन सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर लोगों को सेवा मिलते रहे। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं सुबह 8 बजे जो चिकित्सालय का समय उस समय 8:05 पर पहुंचा था। कौन उपस्थित थे समय की बात आ रही है? हाँ, जब वहां मैं गया तो एक महिला वहां झाड़ू लगाती हुई मिली। पूरा अंधेरा था और करीब 8:30 बजे तक वहां कोई भी उपस्थित नहीं था। करीब वहां 11 लोगों का स्टाफ था, मैं 4-5 चिकित्सकों के टेक्नीशियनों के। क्या कार्रवाई करी? उनका तुरंत विधि अनुसार माननीय कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसके संबंध में विधिवत अभी नोटशीट में प्रकरण बना के और कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।